किसानों द्वारा पराली जलाने के कारण पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। प्रदूषण के कारण सांस लेना मुश्किल हो गया है। धुएं के कारण कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। कैथल की डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर प्रियंका सोनी ने जिले के किसानों से पराली जलाने से गुरेज करने की अपील की है। आधुनिक तकनीक से पराली का प्रबंधन करके किसान पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देने के साथ अपनी भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ा सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर प्रियंका सोनी ने कहा कि किसानों को पराली प्रबंधन में सहयोग देने के लिए सीएससी की स्थापना की गई है। डीसी प्रियंका सोनी ने किसानों को खुद पराली जलाने से बचने के साथ दूसरों को भी पराली जलाने के खतरे के प्रति जागरूक करने की सलाह दी है। कैथल जिले के सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो अपनी पराली को बिल्कुल भी जलाएं ना। और अभी सरकार के द्वारा सीएससी सेंटर्स बनाए गए हैं और बहुत सारे ऐसे साधन उपलब्ध कराए गए हैं जिसके चलते वो पराली का प्रबंधन किया जा सकता है। उनका उपयोग करें और ना ही स्वयं जलाएं, ना ही अपने आस पड़ोस में अपने गाँव को किसी को जलाने दें। कैथल के एसपी वरिंदर विज ने बताया कि जिले में 22 किसानों के खिलाफ पराली जलाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ अन्य शिकायतें भी आई हैं जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एसपी वरिंदर विज ने कहा कि जिस भी किसान की पराली जलाने की शिकायत आएगी उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पराली ना जलाए, अगर किसी ने पराली जलाई और पुलिस या प्रशासन किसके बारे में पता चला तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 22 से ज्यादा एफआईआर हमने पहले ही दर्ज कर दी है। इसके अलावा कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास और आई हैं, उनमें भी हम मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए कोई इस तरह की पराली जलाने की कोशिश ना करे। ये बात मैंने पहले ही डीएसपी ट्रैफिक और एसएचओ ट्रैफिक को बता दी है कि ऑटोस के और ऐसे जो दूर से धुआं दिखा रहे हो उनको स्पेशली चेक करें और उनके खिलाफ जो हमारे मोटर व्हील एक्ट में जो प्रावधान उस तरह करें। पराली प्रबंधन का यह संदेश गांव गांव पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। पराली प्रबंधन के इंतजामों के बारे में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।